एक कुंडली 100 समाधान, देश की हर ज्योतिषीय पद्धति के समावेश के साथ संपूर्ण आकर्षक और सबसे सटीक एस्ट्रोसेज बृहत कुंडली। आज अभी लें, क्योंकि भविष्य में ही छिपे हैं जीवन के संकेत। जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दुनिया के नंबर वन ज्योतिष यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी पर। हर दिन की तरह मैं नेहा राजपूत आपके सामने हाजिर हूँ लेकर दैनिक राशिफल। इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 जनवरी 2020 दिन शुक्रवार के राशिफल के बारे में। सबसे पहले शुरुआत करेंगे पंचांग के साथ। पौष माह में शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है, जो अगले दिन यानी कि 11 जनवरी को प्रातः 12:52 तक रहेगा। शुभ समय यानी अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो आज 12:07 से 12:49 तक शुभ मुहूर्त है। वहीं अगर राहु काल की बात की जाए, जिसे अशुभ समय कहते हैं, तो आज प्रातः 11:10 से दोपहर के 12:28 तक अशुभ समय चलेगा यानी राहु काल। दिशाशूल आज पश्चिम दिशा में है, तो यदि आप इस दिशा में कहीं यात्रा करने जा रहे हैं तो आपको इससे बचना है और कोई भी शुभ कार्य इस दिशा की तरफ मुख रखकर नहीं करना है। यह जानकारी हमने आपको दी जो है पंचांग रिलेटेड। ये पंचांग में दी गई चीजों का आपको बहुत ही ध्यान से आपको ख्याल रखना है। शुभ समय जो हो गया, अशुभ समय हो गया और दिशाशूल। अगर आप कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, कोई नया काम की शुरुआत कर रहे हैं, तो आप अभिजीत मुहूर्त पर कर सकते हैं। वहीं अगर आपको जो है ये राहु काल का जो समय है, उस समय कोई भी अच्छा काम, नया काम, शुभ कार्य नहीं करना है। और दिशाशूल जो है उस दिशा में ना तो आज यात्रा करना है, ना ही कोई शुभ कार्य उस दिशा की तरफ मुख रखकर आपको करना है। तो तीनों चीजों का अगर ध्यान रखते हैं तो दिन आपके लिए और भी बेहतरीन बन सकता है। आज आपको जानकारी दे दी कि आज है पौष पूर्णिमा व्रत। हिंदू पंचांग के पौष माह में शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को पौष पूर्णिमा कहा जाता है। हिंदू धर्म या और भारतीय जनजीवन में पूर्णिमा तिथि का बड़ा महत्व है। पूर्णिमा की तिथि चंद्रमा को प्रिय होती है और इस दिन चंद्रमा अपने पूर्ण आकार में होता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में पौष पूर्णिमा के दिन दान, स्नान और सूर्य देव को अर्घ्य देने का विशेष जो है महत्व बतलाया गया है। ऐसा कहा जाता है कि पौष मास के समय में किए जाने वाले धार्मिक कर्मकांड जो है इसकी के पूर्णता जो है पूर्णिमा पर स्नान करने से सार्थक होती है। पौष पूर्णिमा के दिन काशी, प्रयागराज और हरिद्वार में गंगा स्नान का बड़ा महत्व होता है। तो आज पौष पूर्णिमा व्रत है, इसकी और भी जानकारी अगर आपको तो हम इस वीडियो में देंगे ही। साथ ही जैसे पूजा विधि आपको जाननी है, शुभ मुहूर्त क्या है पूजा के लिए, सारी चीजें जाननी है, तो आप हमारे वेबसाइट www.astrosage.com पर जरूर विजिट करें। चलिए अब बात करेंगे आपकी राशिफल की। और ये आपको बता दें कि जो लोग पहली बार देख रहे हैं, जिन लोगों को नहीं पता, हमारा यह जो राशिफल होता है वो चंद्र राशि पर यानी मून साइन पे बेस्ड होता है। तो शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ। जानते हैं एरीज वालों के दिन में आज क्या रहेगा उनके लिए खास। सबसे पहले आज आपके पास बहुत सारा खाली टाइम मिलेगा जिसका आप आनंद ले सकेंगे। वहीं बिजनेसमैन को बता दें कि निवेश के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है, लेकिन सलाह यही रहेगी कि किसी की उचित जो है सलाह के बाद ही निवेश करें, किसी एक्सपर्ट की राय ले लें उसके बाद ही निवेश करें। लव लाइफ में आज दिन अच्छा बीतेगा। वहीं अगर बात की जाए मैरिड लाइफ की, तो अपने जीवन साथी के साथ बेहतर समझ जो है आज आपकी लाइफ को बहुत आसान बना देगी, खुशी देगी, सुकून और समृद्धि लेकर आएगी। प्रिय के साथ जो है लव पार्टनर के साथ आप बहुत अच्छा बर्ताव करेंगे, इसकी वजह से लाइफ में बहुत खुशी आएंगी। आप खुद को ऊर्जा से सराबोर महसूस करेंगे, यानी कि स्वास्थ्य बहुत सही रहेगा आपका, हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको कोशिश करनी है कि जब आपकी हेल्थ अच्छी है, सारी चीजें अच्छी चल रही है, तो अपने काम काज पर भी इस ऊर्जा का प्रयोग करें, अपने अच्छे इस माइंड सेट का उपयोग करें ताकि अपने काम में अच्छा रिजल्ट दे सके। यानी कि आज ऑफिस में आपको हार्डवर्क करना है। आज अपने लिए वक्त निकालकर अपने जीवन साथी के साथ आप कहीं घूमने जा सकते हैं, इससे उनको भी खुशी मिलेगी। हालांकि इस दौरान जो है घूमने फिरने के दौरान आप दोनों के बीच में थोड़ी बहुत कहासुनी हो सकती है, और ये कहासुनी जो है वो खर्चे आदि को लेकर होगी, घर के खर्चे आदि को लेकर अपने जो है जीवन साथी से तनातनी संभव है। गृहिणियों की बात करें तो आज दिन बहुत अच्छा है, लेकिन आपको कमर दर्द या पीठ दर्द की समस्या जो है वो परेशान कर सकती है, इसीलिए काम के बीच बीच में थोड़ा आराम भी किया करें। छात्रों को बता दें कि आज का जो दिन का पूर्वार्ध है वो आपके लिए अच्छा रहेगा, उत्तरार्ध आपके लिए उतना सही नहीं है, इसलिए आप कोशिश करें कि पहले भाग में ही आप दिन के अच्छे से पढ़ाई करें। चलिए उपाय सुन लीजिए। आज के दिन किसी भी साधु को या किसी भी पंडित को, ब्राह्मण को कुछ पैसे दान में दे दें। शुभ अंक है 6 और शुभ रंग है पारदर्शी और गुलाबी। भाग्यस्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी है वृषभ राशि की। सबसे पहले आज जो धुंध आपकी तरफ छाए हुआ है उसकी वो जो है वो आपकी प्रगति को बाधित कर रही है, उससे बाहर निकलने का समय है ताकि आप अपने कार्य स्थल पर, आप अपने व्यवसाय में अच्छे से प्रदर्शन दे सके। तो आपकी जो आंखों के चारों तरफ जो धुंध चाहिए उसको हटाने के लिए आज का दिन सबसे बेहतरीन है।
बिना किसी अनुभवी शख्स की सलाह के आज कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे आपको आर्थिक हानि हो, क्योंकि आज आपको ग्रह नक्षत्र जो बताए वो बतला रहे हैं कि आज आपको पैसों से जुड़ा हुआ कोई हानि आपको हो सकती है। इसीलिए जब भी कोई पैसे रिलेटेड काम करे तो किसी बड़े की राय जरूर ले ले। आपको अपना बाकी वक्त बच्चों के साथ गुजारना चाहिए, चाहे इसके लिए आपको कुछ खास ही क्यों ना करना पड़े, तभी आप अपने पारिवारिक जीवन को सुखद बनाएंगे। अगर आप पूरे दिन अपने काम में ही इन्वॉल्व रहेंगे, अपनी फैमिली को टाइम नहीं देंगे, तो इससे आपके और उनके बीच दूरियां आ जाएंगी और बहुत सारे जो है सर्कमस्टेंसेस घर के वो खराब हो सकते हैं। तो इसीलिए कोशिश करें जो खाली समय आपको मिलता है उसको आप अपने परिवार वालों के साथ बिताएं। आज यात्रा आपके योग में है और ये यात्रा बहुत ही सुखद रहने वाली है। नई परियोजनाओं और खर्चों को आज टाल दें, यानी कि आज कुछ भी नया नहीं करना है आपको, जो चीजें चली आ रही है वैसे ही चले। कोई भी नया इन्वेस्टमेंट हो गया, नई जैसे प्रोजेक्ट कोई होगी चीज, कुछ भी नया आपको आज के दिन नहीं करना है, ना ही आपको कहीं पे नई जगह पे खर्च करना है। आपके हंसने हंसाने का अंदाज आपकी सबसे बड़ी पूंजी साबित होगी आज, और आज हर जगह पे चाहे आप अपने सामाजिक जीवन में जाएं, चाहे अपने कार्यस्थल में जाएं, सब लोग आपसे खुश रहेंगे। मैरिड लाइफ की बात करें, आपका जीवन साथी बिना जाने आज कुछ ऐसा खास काम करने वाला है आपके लिए, जिसे आप बहुत ही ज्यादा आपको खुशी होगी, आप गौरवान्वित महसूस करेंगे। गृहिणियों की बात की जाए तो आज पति से हल्की फुल्की नोकझोंक आपके आज दिन के योग में है। वहीं छात्रों की बात की जाए तो माता पिता से डांट डपट की आज संभावना है, तो इसलिए कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे कि माता पिता आप पर गुस्सा करें, आपको डांटे। चलिए उपाय जान लेते हैं कि आज वृषभ वालों को क्या उपाय करना चाहिए। ढाक के पत्ते का जो दोना है खाने में आज प्रयोग करें। शुभ अंक है 5 और शुभ रंग है हरा और फिरोजी। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी है मिथुन राशि की, यानी जेमिनी वालों की। आपका तनाव आज काफी हद तक खत्म हो सकता है। दिन अच्छा है जब आप पुरानी चीजों से बाहर निकलेंगे। कुछ अगर पहले से चाहे कहीं पे टेंशन चल रही थी, चाहे वो कहीं भी हो, आपका घर हो, आपका काम हो, वो टेंशन आज काफी हद तक खत्म होने वाली है। घर की जरूरतों को देखते हुए आज आप अपने जीवन साथी के साथ कोई कीमती सामान खरीद सकते हैं, जिससे आर्थिक हालात थोड़े आपके तंग हो सकते हैं। यानी कि घर की चीजों में आज जब पैसा लगाएंगे तो थोड़ा बहुत बैलेंस आपका बिगड़ेगा, लेकिन घर की चीजें भी जो है वो भी खरीदना जरूरी है, तो इसीलिए इसको ज्यादा दिल पर ना ले, इसकी वजह से टेंशन ना ले। जरूरत के वक्त आज आपको दोस्तों का सहयोग मिलेगा और दिन बहुत ही अच्छा बीतेगा। अपने साथी को भावनात्मक तौर पर आज इस राशि के जो प्रेमी जातक हैं ब्लैकमेल करने से बचे, नहीं तो रिश्ते में दूरियां आ सकती हैं। बिजनेसमैन लोगों की बात करें तो साझेदारी में किसी नई परियोजना को शुरू करने के लिए अच्छा दिन है। हमारे द्वारा बताए गए अभिजीत मुहूर्त को जरूर ध्यान में रखें अगर आप कोई नई चीज शुरू करने जा रहे हैं, तो इससे सभी को मुनाफा होगा। लेकिन साझेदार से हाथ मिलाने से पहले भली भांति विचार कर लें, ये देख लें कि आप किनके साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है और उनके साथ बिजनेस करके आपको लाभ होगा या नहीं। सारी बातों को अच्छे से विश्लेषण करने के बाद ही आप किसी के साथ पार्टनरशिप करें। आपका चुंबकीय और जिंदा दिल व्यक्तित्व आज आपको सबके आकर्षण का केंद्र बना देगा और हर जगह लोग आपकी तारीफ करेंगे। लोगों की दखलंदाजी आज वैवाहिक जीवन में परेशानी खड़ी कर सकती है और मैरिड लाइफ में थोड़ी बहुत आपको जो है तनाव देखने को मिलेगा। आज बच्चों की वजह से भी थोड़ी बहुत टेंशन हो सकती है घर में, बच्चों को अच्छा सिखाएं। और वहीं अगर बात करें इस राशि के छात्रों की, तो आज छात्रों के लिए दिन बहुत अच्छा है। आज जो भी पढ़ेंगे आपको बहुत अच्छा आपके दिमाग में घर कर जाएगा, साथ ही आज आप किसी सेमिनार या प्रदर्शनी आदि को भी अटेंड करने का आपको मौका मिल सकता है। चलिए उपाय जान लेते हैं। आज के दिन दूध या जल में जो है केसर डालकर उसका सेवन करें। शुभ अंक है 3 और शुभ रंग है केसरिया और पीला। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी है कर्क राशि की। दिन की शुरुआत आप योग ध्यान से कर सकते हैं आज, यानी कि अगर आप जितना अपने आपको हेल्दी देखना चाहते हैं, आपको इसके लिए फिट देखना चाहते हैं, उसके लिए आपको अपने जो है दिन की शुरुआत से ही आपको अच्छे से रखना होगा, नहीं तो शाम ढलते ढलते कुछ मानसिक तनाव भी हो सकता है और शरीर में थकान की भी जो है वृद्धि देखी जा सकती है। तो इसीलिए कोशिश करें आज के दिन सुबह उठते ही या तो आप पार्क में कहीं घूमने सैर करने चले जाएं या फिर आप योग या ध्यान करें, जिससे आप पूरे दिन फिट रह सकें। ऐसा करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा और सारे दिन आप में ऊर्जा रहेगी। बीते दिनों में जितना धन आपने आज को बेहतर बनाने के लिए इन्वेस्ट किया था, उसका फायदा आज आपको मिल सकता है। यानी कि इन्वेस्टमेंट जो आपने पुराने दिनों में किया था, उसकी वजह से आज का दिन जो है आर्थिक मामलों में ठीक रहेगा। दोस्त शाम के लिए कोई बढ़िया योजना बनाकर आपका दिन खुशनुमा कर देंगे और पूरे दिन आप खुशमिजाज रहेंगे। आपके ईमानदार और जिंदा दिल प्यार में जादू करने की ताकत है। आपकी सबको साथ लेकर चलने की क्षमता और भली भांति विश्लेषण करने की खासियत को लोग आज ऑफिस में भी सराहेंगे और घर पर भी। आज आपको अपने कामों को समय पर निपटाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि आप घर वालों का जो है ध्यान रख सके, और इस बात का जरूर ख्याल रखा करें कि घर पर कोई आपका इंतजार कर रहा है। अगर आप ज्यादा समय आज अगर ऑफिस में बिताते हैं और घर बहुत लेट पहुंचते हैं, तो आज हो सकता है कि पत्नी के गुस्से का शिकार होना पड़े। आज का दिन जो है
उन्माद में घिर जाने का है, क्योंकि आप जो है अपने जीवन साथी के साथ प्रेम के चरम का अनुभव करेंगे और दिन बहुत अच्छा रहेगा। इसीलिए कोशिश करें इसे और भी बेहतरीन बनाने के लिए। आप कहीं कैंडल लाइट डिनर के लिए जा सकते हैं, बाहर घूमने फिरने जा सकते हैं। छात्रों को बताना चाहेंगे कि आज जो है अपने शिक्षकों की बताई गई बातों पर गौर करने की जरूरत है। यानी कि जब आप एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते हैं तो उस चीज का आपको कोई फायदा नहीं होता। जब शिक्षक आपसे कुछ कह रहे हैं तो उसको ध्यान से सुना करें, ताकि आप उसकी वजह से आपको जो है आप लाभान्वित हो सके और आप उसको फ्यूचर में अपने इम्प्लीमेंट कर सके। चलिए उपाय सुन लेते हैं। उपाय के तौर पर लाल कपड़े में मसूर की दाल रखकर उस पोटली को अपने पास रख लें। शुभ अंक है 7 और शुभ रंग है क्रीम और सफेद। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी है सिंह राशि की। आज आशावादी बने और उजले पक्ष को देखें, क्योंकि आज का दिन जो है आपको बहुत सारी नेगेटिव चीजें आपके आसपास होंगी और आप बहुत ज्यादा निराश होने को रहेंगे, लेकिन आपको क्या करना है, आपको बहुत पॉजिटिव सोचना है। आपका विश्वास और उम्मीद आपकी इच्छाओं और आशाओं के लिए नए दरवाजे खोलने वाली है, तो इसीलिए अपने अंदर जो है उम्मीद की एक किरण जो है जगा कर रखें, मेहनत करते रहें। आज आपकी कोई चल जो संपत्ति जो है वो चोरी हो सकती है, इसलिए जितना हो सके अपनी चीजों का ध्यान रखा करें, और अगर आप थोड़ी भी सावधानी आपकी हटती है तो आपको हो सकता है कि नुकसान आज झेलना पड़े। जिन लोगों से आपकी मुलाकात कभी कभी ही होती है उनसे बातचीत और संपर्क करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। उनसे बात करें, उनका हालचाल पूछें, इससे आपको भी खुशी मिलेगी और उनके साथ आपका रिश्ता भी अच्छा बना रहेगा। आपके लिए अपने प्रिय से दूर रहना आज मुश्किल होगा, क्योंकि आज जो है ग्रह नक्षत्र इशारा करें कि इस राशि के जातक जो है अपने पार्टनर से आज वो उतना ज्यादा मिल नहीं पाएंगे, वो किसी कारणवश आप कहीं बिजी रहेंगे और आप अपने प्रेम जीवन को उतना समय नहीं दे पाएंगे। कार्यक्षेत्र में आज आपको बहुत कुछ पॉजिटिव देखने को मिल सकता है, लेकिन सलाह है कि गपबाजी और अफवाहों से आज दूर ही रहें। किसी खूबसूरत याद के कारण आपके और आपके लाइफ पार्टनर के बीच की अनबन जो है वो रुक सकती है, इसीलिए वाद विवाद की हालत में पुराने दिनों की यादों को ताजा करना ना भूलें। इससे क्या होता है कि जब आप परेशान होते हैं और आप अच्छे दिनों को याद करते हैं तो वापस से आपका जो माइंड है वो सही हो जाता है और लड़ाई झगड़े वाली चीज वहीं पर स्टॉप हो जाती है। तो इसीलिए कोशिश करें जब आपके और आपके पत्नी के बीच या पति के बीच कुछ नोकझोंक होती है तो पुराने अच्छे दिनों को याद किया करें। चलिए उपाय को आप बता देते हैं। उपाय क्या करना है, सिंह राशि के जातकों को आज के दिन किसी भी गरीब को कुछ अनाज दान में देना है। शुभ अंक है 5 और शुभ रंग है हरा और फिरोजी। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी है कन्या राशि की। सेहत पर गौर करने की आज कन्या वालों को जरूरत है, नहीं तो आज जो है बहुत ज्यादा आप जो है बीमार फील करेंगे। हेल्थ पर ध्यान रखें, थोड़ी भी अगर आपको जो है आपको परेशानी होती है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, ना कि आप खुद ही अपना उपचार करने लग जाएं। आज आपको बेवजह पैसा खर्च करने से खुद को रोकना भी चाहिए, नहीं तो जरूरत के समय आपके पैसे की कमी हो सकती है और आर्थिक हालात में जो है आपके जो है खराबी आ सकती है। आज ना सिर्फ अजनबियों से बल्कि दोस्तों से भी आपको सावधान रहने की जरूरत है। आज लाइफ अगर बात करें लव पार्टनर की, तो आज आपके प्रिय से दूर होने का दुख आपको टीस देता रहेगा, क्योंकि आज बहुत सारा समय ऐसा होगा कि जब आप उनसे बात करना चाहेंगे लेकिन किसी कारणवश बात नहीं कर पाएंगे। जो लोग विदेश व्यापार से जुड़े हैं उनको आज मन माफिक फल मिलने की पूरी उम्मीद है। वहीं इस राशि के नौकरी पेशा से जुड़े जो लोग हैं आज अपनी प्रतिभा का पूर्ण इस्तेमाल कार्य क्षेत्र में कर सकते हैं। कुछ लोगों को इस राशि के लंबा सफर भी आज करना पड़ सकता है, जो कि काफी दौड़ भाग भरा होगा, लेकिन आपके लिए फायदेमंद भी रहेगी ये यात्रा। तो आप जो है कोशिश करें जब ये यात्रा करते हैं तो अच्छे मन से पॉजिटिव मन से करें। ठीक कम्युनिकेशन ना होने के चलते परेशानी खड़ी हो सकती है, इसीलिए कोशिश करें कि आज जो है मिल बैठ कर बात करके और चीजों को सुलझाए अपने आप वैवाहिक जीवन में। तो इसीलिए जब भी आपको लगता है कि आपके पार्टनर को आपको कोई चीज बुरी लग रही है, आपको कोई अपने पार्टनर की चीज बुरी लगती है, तो साथ बैठकर डिस्कस किया करें, ना कि मन में ही आप एक अपनी जो है अलग से ख्याल बना लें। छात्रों की बात की जाए तो आज आपको अपनी सेहत का खास ध्यान रखना है, क्योंकि सेहत आज आपकी थोड़ी नासाज हो सकती है, तो इसलिए हेल्थ का पूरा पूरा ध्यान रखें। चलिए कन्या वालों को उपाय बता देते हैं आज क्या उपाय करके आज वर्गो साइन वाले जो हैं आज अपने आप को अपने दिन को ठीक कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। कन्याओं में चॉकलेट टॉफी या कोई भी मीठी वस्तु बांटे। शुभ अंक है 3, शुभ रंग है केसरिया और पीला। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि आज है पौष पूर्णिमा। पौष पूर्णिमा क्यों मनाते हैं, इसका महत्व जान लीजिए। वैदिक ज्योतिष और हिंदू धर्म से जुड़ी मान्यता के अनुसार पौष सूर्यदेव का माह कहलाता है। इस माह में सूर्यदेव की आराधना से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसीलिए पौष पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान और सूर्यदेव को अर्घ देने की परंपरा है। चूंकि पौष का महीना सूर्यदेव का माह है और पूर्णिमा चंद्र की तिथि है,
इसीलिए सूर्य और चंद्र का यह अद्भुत संगम जो है पौष पूर्णिमा की तिथि को ही होता है। इस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों के पूजन से जो है मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में आने वाली बाधाएं जो है वो दूर होती हैं। तो उम्मीद है कि हमने जैसे आपको बताया कि पौष पूर्णिमा व्रत करने से क्या जो है इंसान को लाभ होता है, क्या महत्व है इसका, ये जानकर आपको भी प्रसन्नता हुई होगी। और ज्यादा जानकारी के लिए जैसा कि हमने आपको कहा था हमारी वेबसाइट पर जरूर विजिट करें www.astrosage.com। वहां आपको न सिर्फ आज के दिन बल्कि आने वाले सभी तीज त्योहारों के बारे में विस्तार से जानकारी मिल सकती है। तो चलिए राशिफल की फिर से शुरुआत करते हैं। तुला राशि वालों की बात करते हैं। लिब्रा साइन वाले ध्यान से सुने, जो आपकी बीमारी लंबे समय से चली आ रही थी आज के दिन जो है उसमें आपको सुधार देखने को मिलेगा और इसका सुधार आपको और भी अच्छे तरीके से आप चाहते हैं तो मुस्कान से अपने जो है अपनी बीमारी का इलाज करें, क्योंकि मुस्कान जो है सभी बीमारियों का सबसे कारगर इलाज होता है। जो लोग अपने करीबियों और रिश्तेदारों के साथ मिलकर बिजनेस कर रहे हैं उन्हें आज बहुत सोच समझकर कदम रखने की जरूरत है, नहीं तो आर्थिक नुकसान आपको हो सकता है। पैसों के मामले में दिन खराब हो सकता है। फैमिली लाइफ की बात करें तो घर में उल्लास का माहौल रहेगा, यानी कि कुछ फंक्शन वगैरह हो सकता है, तनाव कम रहेगा। आप भी कोशिश करें इसमें पूरी सहभागिता करने की, सिर्फ महज एक मूक दर्शक बनकर ना रहें। कुछ लोगों के लिए जो लोग अनमैरिड हैं जल्द ही शादी की शहनाई भी बज सकती है, जबकि दूसरे लोग जो हैं जो सिंगल हैं जिंदगी में नए रोमांस का अनुभव करेंगे, यानी कह सकते हैं कि लिब्रा वालों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। ऐसे लोगों से साथ जुड़े जो स्थापित हो और भविष्य के रुझानों को समझने में आपकी मदद कर सकते हैं। इसके द्वारा जो बिजनेसमैन है कार्यक्षेत्र पे जो लोग जाते हैं वो उनके लिए दिन ये बेहतरीन हो सकता है। आज का दिन अधिकांश समय जो है खरीदारी और दूसरी गतिविधियों में आपका जाएगा। आपको और आपके जीवन साथी को कोई बहुत सुखद खबर सुनने को मिल सकती है और दिन इसके साथ ही अच्छा बीतेगा आपका। उपाय के तौर पर आज के दिन इष्टदेव की पूजा करें। अपने शुभ अंक है 6, शुभ रंग है पारदर्शी और गुलाबी। भाग स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी है वृश्चिक राशि की। आज का दिन जो है वृश्चिक वालों के लिए मौज मस्ती और आनंद से भरा रहेगा, क्योंकि आप जिंदगी को पूरी तरह से जिएंगे, यानी कोई भी टेंशन वाली बात नहीं होगी। बस हाँ, आर्थिक मामलों में आपका खर्चा थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन साथ ही आमदनी जो बढ़ेगी या पैसा भी कहीं से आएगा जो दोनों को बैलेंस कर देगा। फैमिली लाइफ की बात करें तो अपने परिवार की भलाई के लिए मेहनत करें, उनको खुश करने के लिए जो है आप अपने जो है आप छोटी छोटी चीजों को कर सकते हैं जो उनको पसंद है, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, बातें करें। आपके कामों के पीछे प्यार और दूर दृष्टि की भावना होनी चाहिए, ना कि लालच का जहर। अपने प्रिय की बेवजह मांगों के आगे भी आज ना झुके, नहीं तो ऐसा करने से उनकी आदत जो है हमेशा ऐसी हो जाएगी कि वो अपनी गलत चीजों के लिए भी आप पर जो है जोर जबरदस्ती करेंगे, आपसे जो है नाराज हो जाएंगे। तो इसीलिए अगर वो उनकी मांग गलत है तो उसके आगे बिल्कुल भी आज ना झुके। बात करें बिजनेसमैन लोगों की तो साझेदारी में किसी नई परियोजना को शुरू करने के लिए अच्छा दिन है। आप जो है सोच समझकर जो है अच्छे मुहूर्त में है अपनी परियोजना की शुरुआत कर सकते हैं, इससे सभी को मुनाफा होगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखें, अगर आप जब आप परियोजना शुरू करना चाह रहे हैं, जब आप प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग करना चाहते हैं तो वो जिस मुहूर्त में करेंगे ध्यान रखें वो राहु काल का ना हो, अभिजीत मुहूर्त का समय हो। हमने आपको वीडियो की शुरुआत में दोनों ही समय बता दिए हैं और उस समय को ध्यान में रख के आप जो है अगर कोई कार्य शुरू करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। साझेदार से भी हाथ मिलाने से पहले सोच विचार कर लें कि किनके साथ आप पार्टनरशिप करने जा रहे हैं। जो लोग जॉब करते हैं आज रात को ऑफिस से घर लौटते हैं तो सावधानी से अगर वाहन चलाएं, या अगर आप जो है वाहन से आते हैं तो जरा सावधान रहें, क्योंकि दुर्घटना आदि या चोट चपेट आदि की लगने की संभावना है और इससे कई दिनों के लिए आप बीमार पड़ सकते हैं। तो इसीलिए आप पूरी सावधानी के साथ ही जब आप घर से बाहर रहें तो पूरी सावधानी के साथ रहें। बात करें मैरिड लाइफ की तो अगर आप और आपका जीवन साथी खाने पीने पर जरूरत से ज्यादा ध्यान देंगे, यानी बाहर की चीजें खाएंगे, ऑयली खाएंगे, स्पाइसी खाएंगे तो सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है, दोनों में से कोई बीमार हो सकता है। इसीलिए मैरिड लाइफ में पति और पत्नी को अपनी सेहत का पूरा पूरा ध्यान रखना है। गृहिणियों का आज अपने घर के बच्चों के साथ नोकझोंक उनकी हो सकती है, आज हो सकता है बच्चे और आपके बीच तालमेल बैठने में थोड़ी दिक्कत हो जाए, कोशिश करें वो छोटे हैं आप उनको समझाने की और सही राह दिखाने की। चलिए उपाय सुन लीजिए। उपाय के तौर पर आपको सलाह देना चाहेंगे कि आज के दिन को अच्छा बनाना है तो लाल मिर्च जो कि सूर्य की कारक वस्तु होती है उसका भोजन में इस्तेमाल करें, लेकिन संतुलित मात्रा में। शुभ अंक है 7 और शुभ रंग है क्रीम और सफेद। भाग स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। अब बारी है धनु राशि की। आज अपनी सेहत की चिंता करने की कतई आपको जरूरत नहीं है, आपके आसपास के लोग आपको प्रोत्साहित करेंगे और सराहेंगे। हेल्थ अच्छी है, लोगों के साथ सामाजिक जीवन में अच्छा आपका जो है समय बीतेगा। आज आर्थिक तौर पर भी सुधार देखने को मिलेगा, माइंड फ्रेश रहेगा आपका।
आज घर पे कुछ मेहमान भी आ सकते हैं और इसकी वजह से शाम जो होगी आज आपकी खुशनुमा और बढ़िया रहेगी। दिन को खास बनाने के लिए स्नेह और उदारता के छोटे छोटे तोहफे लोगों को दें, यानी आप सबसे प्यार से जो है व्यवहार करें, उदारता दिखाएं, अपनी पेशेवर क्षमताओं को बढ़ाकर अपनी आप जो है करियर के नए दरवाजे खोल सकते हैं। और इसके लिए आज आपको अपने ऑफिस में अपने किसी सीनियर, अपने किसी बड़े के साथ बैठकर डिस्कस करना चाहिए। अपने क्षेत्रों में आपको अपार सफलता मिलने की आज संभावना है, यानी आप जिस भी सेक्टर में जॉब करते हैं वहां आज आपको लाभ देखने को मिलेगा। आप अपनी सभी क्षमताओं को निखार कर औरों से बेहतर बनने की कोशिश करें, ये एक आपके लिए सलाह है। किसी पार्क में घूमते समय आज आपकी मुलाकात किसी ऐसे शख्स से हो सकती है जिससे अतीत में आपके मतभेद थे। मुमकिन है कि आज आपका जीवन साथी खूबसूरत शब्दों में आपको यह बताए कि आप उनके लिए कितने कीमती हैं और इसकी वजह से जो है आज आपकी मैरिड लाइफ जो है वो भी बहुत अच्छी रहेगी। चलिए उपाय जान लेते हैं। उपाय के तौर पर आपको सलाह देना चाहेंगे कि आज लाल रंग के बोतल में पानी भरकर धूप में रख दें और उस पानी का सेवन करें। शुभ अंक है 4 और शुभ रंग है भूरा और सलेटी। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4.5 स्टार। अब बारी है मकर राशि की। बाहरी गतिविधियां आपके लिए आज फायदेमंद रहेंगी, यानी जितना आप बाहर के कामकाज में इन्वॉल्व रहेंगे आपके हेल्थ के लिए, आपके माइंड के लिए उतनी सही रहेंगी। जो आपकी किलेबंदी वाली जीवन शैली है उसमें बंधे रहना और हमेशा अपनी सुरक्षा की चिंता करना आपके शारीरिक और मानसिक विकास को रोक देगा। इसीलिए थोड़ा बाहर निकले, घूमे फिरे, लोगों से जो है बातचीत करें, इससे आपका माइंड जो है वो फ्रेश रहेगा, आप भी काफी एक्टिव रहेंगे। यह आदत आपको आप जो है चिड़चिड़ा और बेचैन इंसान जो है बना सकती है, अकेले रहने की आदत, इसलिए अपने अकेले रहने की आदत को थोड़ा त्यागें। फौरी तौर पर मजे लेने की अपनी प्रवृत्ति पर काबू रखें और मनोरंजन पर जरूरत से ज्यादा खर्चा करने से आज बचे, नहीं तो आर्थिक जो है आपके जो जीवन है वो थोड़ा आपका बिगड़ सकता है, आर्थिक जो आपका बैलेंस है वो खराब हो सकता है। प्रभावशाली और महत्वपूर्ण लोगों से परिचय बढ़ाने के लिए सामाजिक गतिविधियां अच्छा मौका साबित होती है। इसलिए छात्रों को एक सलाह है कि आप जब कभी किसी अच्छी जगह पर आपको जाने का मौका मिले, जैसे सेमिनार हो गया, प्रदर्शनी हो गया, तो आप जरूर उसको अटेंड करें। बेवजह का शक आज रिश्ते में कलह पैदा कर सकता है, इसीलिए प्रेमी जातकों को सलाह देना चाहूंगी कि आज के दिन अपने रिश्ते में शक का बीज न पनपने दें। यदि किसी बात को लेकर आपके मन में उनके प्रति कोई संशय है तो उनके साथ बैठकर हल निकालने की कोशिश करें, ना कि मन ही मन उस चीज की के बारे में आप किसी रिजल्ट तक पहुंच जाएं। ऑफिस में कुछ लोगों को आज इस राशि की तरक्की मिलने वाली है। वहीं आज आपके पास खाली समय होगा और इस समय का इस्तेमाल आप ध्यान योग करने में कर सकते हैं। आपको आज मानसिक शांति का भी एहसास होगा। बिजली कटौती या फिर किसी अन्य वजह से आज सुबह तैयार होने में परेशानी का आपको सामना करना पड़ सकता है, लेकिन जीवन साथी की ओर से इससे निपटने में आपको काफी मदद मिलेगी। तो इसीलिए जब शाम को आप लौट कर घर जाएं तो उनके लिए कोई छोटा सा प्यारा सा तोहफा जरूर लेकर जाएं, इससे आप दोनों के रिश्ते में और भी प्रगाढ़ता आएगी। चलिए उपाय जान लेते हैं। उपाय के तौर पर मकर राशि के जातकों को ये सलाह देना चाहें कि आपको क्या करना है, दूध में आज हल्दी डालकर उसको पी लेना है। शुभ अंक है 4 और शुभ रंग है भूरा और सलेटी। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी है कुंभ राशि की। अवांछित यात्राएं थकाऊ साबित हो सकती हैं और बेचैनी का कारण बन सकती है, इसलिए कोशिश करें कि अगर यात्राओं को आज टाल ही दें, ज्यादा जरूरत की यात्राएं नहीं है तो आपके लिए बेहतर रहेगा। मांसपेशियों को आराम देने के लिए शरीर की तेल से मालिश करें ताकि आप शारीरिक रूप पर मजबूत रहें और मेंटली भी जो है, आप जब शारीरिक तौर पर आप हेल्दी रहते हैं तो मेंटली भी आप काफी अच्छा फील करते हैं। आज आपको पैसों से जुड़ी कोई समस्या आ सकती है जिसे सुलझाने के लिए आप अपने पिता या पिता तुल्य किसी आदमी से सलाह ले सकते हैं। जरूरत भी होती है, हमेशा हम अपनी राह में जो है सही नहीं चल रहे होते, हमें किसी बड़े की जो है मदद काफी जो है हमारे लिए अच्छा एक रास्ता दिखाती है, तो इसलिए बड़े से सलाह जरूर लिया करें। जब भी आप कहीं फंसते हैं वो अपने एक्सपीरियंस से आपको हर चीज बताते हैं और आपको वो काफी लाभ मिलता है। दोस्त आपके निजी जीवन में जरूरत से ज्यादा दखलंदाजी करेंगे। वहीं अपनी दीवानगी को काबू में रखें, नहीं तो यह आपके प्रेम संबंध को मुश्किल में डाल सकती है। तब तक किसी से कोई भी वादा ना करें जब तक आप खुद यह ना जानते हो कि आप उसे हर कीमत पर जो है पूरा कर सके, चाहे वो आपके बच्चे हो, चाहे आपकी पत्नी हो, चाहे आपका प्रेमी हो, किसी से भी झूठा वादा करने से आज बचना है आपको। वक्त से बढ़कर कुछ नहीं होता, इसीलिए आप खुद का सदुपयोग जो है वक्त का सदुपयोग करते हैं, और लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जीवन को लचीला बनाने की भी जरूरत होती है और अपने घर परिवार के साथ समय बिताने की जरूरत होती है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज हो सकता है घर का कोई सदस्य आपसे जो है किसी चीज की डिमांड करे या आपसे किसी चीज की कंप्लेंट कर दे। अगर जीवन साथी के अलावा किसी और को अपने ऊपर असर डालने का मौका दे रहे हैं तो जीवन साथी की ओर से आपको नकारात्मक प्रतिक्रिया आज मिलने की संभावना है। चलिए उपाय जान लेते हैं। आज गाय को रोटी खिलानी है। शुभ अंक है 2 और शुभ रंग है सिल्वर और सफेद। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से
4 स्टार। और अब सबसे आखिर में बात करेंगे मीन राशि के जातकों की। आप में आज चुस्ती फुर्ती देखी जा सकती है। आज आपका स्वास्थ्य पूरी तरीके से आपका साथ देगा, हेल्दी रहेंगे, मेंटली भी आप फिट रहेंगे। जिन लोगों ने अतीत में अपना पैसा निवेश किया था, आज उस धन से लाभ होने की संभावना बन रही है। फैमिली में बच्चे और परिवार दिन का केंद्र बिंदु रहेंगे। वहीं जिंदगी की हकीकत का सामना करने के लिए आज आपको जो है अपने प्रेमी को कम से कम कुछ वक्त के लिए भूलना पड़ेगा, और इसकी वजह से दोनों में थोड़ी नाराजगी भी आएगी। इसीलिए कोशिश करें कि जब भी आप उनसे किसी कारणवश, और वो कारण जो है वाजिब है, नहीं मिल पाते तो उनसे जरूर अच्छे तरीके से उनको एक्सप्लेन कर दे, नहीं तो उनके दिमाग में बहुत सारी चीजें जो है पनपने लग सकती है। तो इसीलिए अगर आज टाइम नहीं दे पा रहे हैं तो कोशिश करें उनको पहले ही क्लियर कर देने की। आज फायदा हो सकता है, बशर्ते आप अपनी बात हर जगह पर भली भांति रखें और काम में अपने लगन और उत्साह दिखाएं। यानी अगर आप बिजनेस करते हैं तो वहां भी आपको अपने अंदर पूरी एनर्जी रखनी है, अपनी बातों को क्लियर करना है। सामाजिक और धार्मिक समारोह के लिए आज बहुत अच्छा दिन है। वहीं बात करें मैरिड लाइफ की, तो किसी के प्रभाव में आकर आज आपका जीवन साथी आपसे झगड़ा कर सकता है, लेकिन प्यार और सद्भाव से मामला सुलझ भी जाएगा। उपाय के तौर पर किसी जो है नेत्रविहीन व्यक्ति या अपाहिज व्यक्ति की मदद करें। शुभ अंक है 9, शुभ रंग है लाल और मैरून। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने बात की कि कैसा रहेगा शुक्रवार का दिन सभी 12 राशियों के लिए। इसके साथ ही आपको यह भी बताया कि आज चंद्र ग्रहण भी है और साथ ही पौष पूर्णिमा व्रत भी है। तो इसीलिए चंद्र ग्रहण के दौरान क्या क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, इन सभी चीजों की जानकारी के लिए हमारे जो है चैनल पर आपको वीडियोज भी मिल जाएंगे। और साथ ही आप इसके बारे में अगर पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.astrology.com पर जाकर वहां पढ़ भी सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपको पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करना होगा कि जब भी वो वीडियो अपलोड हो आप नोटिफिकेशन जो है पहुंच जाए। तो इसीलिए आप जो है कोशिश करें हमारे साथ अपडेट रहने की, ताकि हम भी आपको ज्योतिष की छोटी से बड़ी हर जानकारी समय तक पहुंचाते रहें। बाकी मिलेंगे आपसे कल एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और किसी का दिल मत दुखाइए। नमस्कार।